चापट्टी चापट्टी चापट्टी। काम होता हुआ उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा और ये पहला पॉइंट लेने में कामयाब। दो पॉइंट उत्तर बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों ही टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा मुनिये तिगरे तो इस प्रकार आज ललपुरी का पारा जामगांव में आज का मैच का फाइनल मुकाबला उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश दो अंक के साथ में यहां पर आगे और इसी बीच में पॉइंट दे बैठे। चार पॉइंट से उत्तर प्रदेश और साथ में हरियाणा का भी पॉइंट खाता खुलना बाकी है हरियाणा की ओर से। और इसी बीच में उत्तर प्रदेश का रेडर हरियाणा के मैदान में शानदार रेड डालते हुए नीली रंग की स्टार और अपने टीम के सबसे अनुभवी रेडर और इसी के साथ में रेडर आउट। बहुत बढ़िया खेल दोनों ओर से और साथ में उतना ही बढ़िया और पारखी नजर हमारे निर्णायकों के द्वारा और ऑल आउट की कगार में उत्तर प्रदेश और इसी के साथ में 3 पॉइंट ऑल आउट। उत्तर प्रदेश क्षमा चाहूंगा उत्तर प्रदेश 9 अंक हरियाणा खाता खोलना बाकी है अभी और इसी के साथ में बहुत ही सफलता के साथ में फूर्ति के साथ में जैसे ही रेट समाप्त हुआ तुरंत दौड़ के आया और पॉइंट और बहुत बढ़िया कोशिश है और उसी के साथ में उससे भी ज्यादा अच्छा कोशिश पकड़े गए रेडर आउट और फिर से एक पॉइंट में छापा। और बहुत ही शानदार यह आज का फाइनल मुकाबला उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा के मध्य और ये बहुत ही शानदार खेल और संकल्प में फंस गए और इसी के साथ में दूसरा पॉइंट हरियाणा
और इसी बीच में एक बार बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन जारी है। आप लोगों के समर्थन बहुत ही शोर गोल के बीच में आठ नंबर का रेडर हरियाणा के मैदान में और इसी के साथ एक्सीडेंट आज का यह फाइनल मुकाबला चलता हुआ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में हमारे गांव ललपुरिया पारा जामगांव में आज का यह फाइनल मुकाबला बहुत ही युद्ध स्तर में आपका मुकाबला फाइनल 10 मिनट का यह मैच है। 10-10 मिनट का यह फाइनल मुकाबला चल रहा है। इसी के बीच में एक बार पुनः फिर से पॉइंट लेने में कामयाब टेकअप कर लिया गया हरियाणा। वो भी दौड़ा देना कन्हैया जी ने दौड़ा अपने टीम के लिए सबसे अनुभवी रेडर और टाइम आउट दौड़ा के बहुत ही बढ़िया काम का खेल और इस तरह कोशिश जारी है अपनी टीम के लिए पॉइंट की तलाश में। और फिर उत्तर प्रदेश के मैदान में हरियाणा का प्लेयर शानदार रेडर रेट आते हैं। देखने वाली बात है निर्णायक की भूमिका क्या रहती है और इसी के साथ में रेडर आउट लॉबी से बाहर लॉबी तक रेडर आउट। अरे बाकी उत्तर प्रदेश का रेडर हरियाणा के मैदान में रेड आते हुए मध्यांतर के लिए 2 मिनट से खिलाड़ी बंधु ध्यान रखेंगे। मध्यांतर के लिए 2 मिनट से और पुनः अपनी टीम के लिए सबसे अनुभवी खिलाड़ी 12 नंबर की पीली जर्सी में स्कोर बोर्ड के सामने में जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं स्कोर बोर्ड के सामने में जो भी सज्जन बंधु आ रहे हैं कृपया सामने से हट जाए और इसी जद्दोजहद फाइनल के महामुकाबला के बीच में उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा के मध्य फाइनल आज का फाइनल महामुकाबला आप सभी के समक्ष ललपुरिया पारा में और इसी बीच में समय 1 मिनट से मध्यांतर के लिए आवाज के साथ में दोनों टीम और एक दाव किया है और बिल्कुल सही पाया गया एक पॉइंट में इजाफा उत्तर प्रदेश 14 हरियाणा 4 है या 5 है क्लियर 4 बहुत बढ़िया थे पूरा लेके आ जा दर्शकों का सपोर्ट पूरा लेके आ जा। मध्यांतर के अंतिम सर्विस ध्यान रखेंगे खिलाड़ी बंधु बहुत बढ़िया सपोर्ट दर्शकों का सपोर्ट हासिल करते हुए यहाँ पर हरियाणा की टीम को
दर्शकों का पूरा सपोर्ट है और इसी बीच में मध्यांतर गेम हो सकता है, लेकिन आप चाहे महिलाओं के सामने जितने भी पुरुष बैठे हैं वे कृपया दूर हो जाए। सब बाहर से आए हुए बच्चों से मेरा अनुरोध है, अभी महिलाओं के आगे में जो बैठे हैं वे कृपया दूर हो जाए। बहुत बढ़िया, और महिलाओं को मैच का आनंद लेने दें। सबक से बाहर से आए हुए बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि जितने भी भाई महिलाओं के सामने जो बैठे हैं वो कृपया दूर हट जाए, ताकि महिलाओं को भी देखने में आसानी हो और उसको भी मैच का आनंद लेने दे। मैच में जब तक मजा नहीं आई, दर्शक मंदी की लहर तब तक मजा नहीं आया। अरे अपन टीम में सपोर्ट करके देखो यार, जीते बाजी हारे सकते हो, हारे बाजी जीता सकते। दर्शक में हो ज्ञान हो ताकत से हो जोश से कोई भी हारे टीम में जीता सकते दर्शक चाहे तो। अपन टीम में स्पष्ट बता दो, धर पकड़ ले इसे कह के, तभी मैच में मजा आई। और दर्शक मन इसमें चुप रहे तो हमन क्या मन टीचर मन का कर दो, आप मन चीन रहे तब तो हम लोग मन के जरूर बाहरी हो, तो कम से कम दर्शक मन जरूर एक बार चीन लाओ, अपन अपन टीम में सपोर्ट करो, अपन अपन तरफ से सब अपन हर एक सपोर्ट करो, ताकि ये मैच लगे फाइनल तक। वो पथेली अरे करा तो रुक दो, तो जोश में आ गए थे तहत टीम हाँ खैर खेल के एक बार मान के आ गए देखो, एक बार चिल्लाओ तो अपन अपन टीम ला हमेशा सक्सेसफुल का हो। तो आइए इसी कसमकस के बीच में आज का है फाइनल मुकाबला, और हरियाणा की टीम उत्तर प्रदेश के मैदान में शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए, शानदार रेस का मुजाहरा करते हुए 12 नंबर की पीली जर्सी में और इसी प्रकार लाइन में और सभी कार्यकर्ता बंधु एक्टिव रहेंगे, ध्यान रखेंगे खेल में हमारी ओर से कोई भी त्रुटि ना हो। और इसी बीच में उत्तर प्रदेश का रेडर हरियाणा के मैदान में रेड डालते हुए अपनी टीम की ओर से और मैच को शुरू करते हुए और मोर तरफ से अनुरोध है दर्शकों का जोश ठंडा होता हुआ दर्शक एक बार चिल्ला के देखो, मैच को रोक नहीं पा रहे नहीं कर कहो, दर्शक एक बार चिल्ला के देखो अपन टीम है। यहाँ पर हमारे लालपुरिया पारा के मैदान में दोनों निर्णायकों के द्वारा बहुत ही अच्छा निर्णायक और यहाँ पर हरियाणा के मैदान में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी अभी भी हरियाणा के खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के वापसी कर सकते हैं। और मैं अवगत कराना चाहूंगा आज के हमारे बहुत ही सीनियर और जानकार अनुभवी एम्पायर डॉक्टर और यहाँ पर साथ में रामचरण बढ़िया जी अपनी पूर्ण सहयोग और अपनी बुद्धिमत्ता का यहाँ पर परिचय देते हुए सराहनीय ढंग से उच्च स्तरीय एम्पायरिंग का यहाँ पर
और इसी बीच में उत्तर प्रदेश की महिला ने हरियाणा का जबरदस्त प्लेयर और कांटे के बीच मुकाबला चल रहा है। यदि यह मैच में हरियाणा कुछ नहीं कर पाती है अर्थात कुछ एक्स्ट्रा करना होगा तभी आप मैच में बने रहेंगे। और यहाँ उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी 8 अंक की बढ़त बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी 8 अंक की बढ़त बना चुके हैं। कब को कहा था लेकिन समय 4 मिनट से लास्ट 4 मिनट समय। अरे बहुत ही शानदार खेल 2 पॉइंट हमारे अनुभवी एम्पायरों के द्वारा। और जब तक जनता मंदिर की लाइट मजे नहीं आएगा भाई साहब, जब तक जोश नहीं दे रहा हूं तब तक मजे कैसे आएगा फाइनल मैच के। पागे पागे और इतने मत दबा का हाथ रिश्ते मत कैसे हो गए थे आगे भी आप आगे ले आया मन हमें अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। और इसी बीच में उत्तर प्रदेश करे और हरियाणा को यदि मैच जीतना है तो राम सिंह को रेड के लिए भेजना पड़ेगा तभी हरियाणा यह मैच जीत सकेगी। और बहुत ही दर्शकों का यह मांग है कि राम सिंह को रेड पर भेजे। राम सिंह क्योंकि राम सिंह जाने माने खिलाड़ी है लड़पुरिया पारा की जान एवं हरियाणा की शान है। तो सभी दर्शकों की मांग है कि हरियाणा की ओर से राम सिंह को रेड पर भेजे एक बार जरूर भेजे। बहुत बढ़िया। और इस बीच में उत्तर प्रदेश और एक अंक हासिल करता हुआ और ये इसी के साथ में देखने वाली बात है। और ये टेका हुआ है इसी बीच में टाइमर 2 मिनट शेष है। और यहाँ पर राम सिंह और आत्मसमर्पण करते हुए बहुत ही अच्छे खिलाड़ी का प्रदर्शन करते हुए और उतनी ही अच्छी परिचय दिलाते हुए मैच समाप्ति में अंतिम 2 मिनट से खिलाड़ी बंधु ध्यान रखेंगे। एक बार कैसे भी चिल्लाओगे तुम्हें दर्शक चाहे तो हारे हुए बिता सकते और कुछ भी करा सकते। दर्शक में वो दर्शक गंगा में वो ताकत है। अरे रास रास में दबाव करवाने थे दबाव बल्लू कहा था कहा तरह थे तो क्रांस दबाव बल्लू उसने कहा बल्लू। और बीच में आज के फाइनल मैच समापन और बिल्कुल मजा नहीं है फाइनल मैच का वन साइड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।